इस वीडियो में हम क्यूक स्टाइल, शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स और आई ड्रॉपर के बारे में जानेंगे। क्यूक स्टाइल में क्या आता है? ये जैसे स्टाइल दिए गए हैं, जैसे ये हमारी ये शेप ये सिलेक्ट है, इस शेप को हम क्यूक स्टाइल देने जाते हैं। ये जैसे ये सभी स्टाइल है, ये देखो जो भी यहाँ पे स्टाइल चूज करना है उस स्टाइल में ये आ जाएगा क्यूक स्टाइल। ये देखो यहाँ पे हम कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो सपोज करो हमने ये यहाँ पे ऑरेंज वाला ये सिलेक्ट किया, तो ये क्यूक स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अब अगली जो है हमारे पास शेप फिल वाली है। जैसे ये हमारी शेपें हैं, ये अलग अलग कलर में फिल करनी है। तो फिल करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम ये शेप डिलीट करते हैं। ये जैसे ये शेपें हमने डिलीट की, डिलीट करने के बाद ये अगली शेपें यहाँ पे लेंगे। जैसे ये एक शेप ये ली, ये लेने के बाद जैसे इसके बाद ये शेप यहाँ से ली, इसके बाद ये शेप यहाँ पे ली, तो ये शेप हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। ये शेप आने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे शेप फिल, ये कलर जो है इसमें शेप अलग अलग कलर यहाँ पे भरने हैं हमने। तो क्या करना है, शेप फिल यहाँ पे जाना है, ये कलर यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट के लिए हमने इस कलर में रखना है ये शेप, इसमें ये इस शेप के लिए हमने और कलर सेलेक्ट किया, जैसे ये इसके लिए हमने और यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया, जैसे इसके लिए ये कलर सेलेक्ट किया। तो शेप फिल में हम यहाँ पे कलर कोई भी कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी कलर नहीं चाहिए तो हम नो फिल, तो नो फिल में ये देखो कोई भी कलर यहाँ पे नहीं आएगा, जब भी हम यहाँ पे ले जाएंगे तो कोई भी कलर नहीं आएगा। इसके बाद शेप फिल पे जाएंगे, शेप फिल पे जाने के बाद मोर फिल कलर, अगर और कलर चाहिए तो यहाँ से हम कलर कोई भी कलर अपने चॉइस से, ये देखो जैसे ये कलर सेलेक्ट किया यहाँ पे ये आ जाएगा। ये आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। या इसके लिए और कलर चाहिए तो हम क्या करेंगे, शेप फिल पे जाएंगे और मोर फिल कलर यहाँ पे जाएंगे। मोर फिल कलर पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई कलर चूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ये कलर चूज़ किया, ये आ जाएगा। ये आने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसकी रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से ये रखना है तो ओके पे क्लिक किया तो इसमें ये चेंज हो जाएगा, इस कलर में आ जाएगा। इसके बाद हम ये अगली कमांड को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्लाइड है फोर्थ स्लाइड, इसको यहाँ पे लाएंगे। ये हमारे पास फोर्थ स्लाइड यहाँ पे ओपन की, ये फोर्थ स्लाइड हमने ओपन की। ओपन करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे कलर आ जाएंगे, ये अलग अलग कलर हैं इसमें, ये भी कलर यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम इन कलर को अपने शेप में यूज़ करना चाहते हैं तो हम आई ड्रॉपर की सहायता से इन कलर को यहाँ से सेलेक्ट करके अपने शेप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ शेप लेते हैं, जैसे ये हमने एक शेप ये ली, एक शेप हमने ये ली, और एक शेप यहाँ पे और यहाँ पे बनाई। इसके बाद यहाँ पे हमने नीचे और शेप यहाँ पे ली, ये शेपें हमने यहाँ पे बनाई। अब क्या करेंगे, हम इनमें कलर अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट पे क्लिक किया, फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसमें अब क्या करना चाहते हैं, हम कलर चेंज करना चाहते हैं। जैसे ये कलर हमारे पास पड़े हुए हैं या ये भी कलर है, कोई भी कलर यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, शेप फिल यहाँ पे जाएंगे,
यहाँ पे जाने के बाद यह हमारा आई ड्रॉपर यहाँ पे जाएंगे और इसको यहाँ से लेंगे, और लेने के बाद ये आई ड्रॉपर यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉक्स आ जाएगा, ये बताएगा कि ये कलर है हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये ऑरेंज कलर है, इस ऑरेंज कलर को या कोई भी कलर को यहाँ से, जैसे ऑरेंज नहीं, ये ग्रीन कलर को हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद इसमें हमने इसको लिया, सेकंड को लिया, यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे हम कलर और रखना चाहते हैं, तो हम फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आई ड्रॉ पर यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे येलो कलर, ये कलर हमने रखना है, तो ये देखो यहाँ पे क्लिक किया तो इस कलर में ये बन जाएगा। इसके लिए भी अलग से कलर हमने लेना है, जैसे तो अलग से कलर, तो पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम शेप फिल, और इसके बाद आई ड्रॉपर पे यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद इसके लिए हमने कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पे सपोज करो हमें ये कलर चाहिए, तो ये बॉक्स बता रहा है, ये जैसे बॉक्स है साथ में चला हुआ है आई ड्रॉपर के, तो ये बता रहा है कि ये कलर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये कलर हमने इसको लिया, तो ये देखो इस कलर में ये चेंज हो जाएगा। तो ये इसके लिए अब चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद शेप फिल यहाँ पे गए, आई ड्रॉपर यहाँ पे गए। यहाँ पे जाने के बाद इसके लिए हम ये फर्स्ट वाला ये कलर या ये कलर जो भी है यहाँ से हम या ये कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे या ये कलर चाहिए तो ये कलर, ये देखो बॉक्स में बता रहा है कि कौन सा कलर आ रहा है, ये जैसे ये कलर चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया तो इस कलर में ये चेंज हो जाएगा। अगले पे क्लिक किया, फिर हम यहाँ पे गए शेप फिल और आई ड्रॉ पर यहाँ पे गए। अब ये जो पहला वाला है ये हमने शेप में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया ये अप्लाई हो जाएगा। अगली के लिए हमने कलर रखना है, तो इसके लिए हम फिर यहाँ पे गए शेप फिल पे गए, आई ड्रॉपर पे गए। अब यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए हमें, वो कलर हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑरेंज चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऑरेंज कलर में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे आई ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हैं। आई ड्रॉपर के जरिए हम कोई भी कलर लेके अपनी शेप में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम ये जो हमारी शेप्स हैं, इन शेप्स में अगर हम यहाँ पे पिक्चर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये हमारी फर्स्ट वाली है, यहाँ पे पिक्चर अप्लाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, शेप फिल पे जाएंगे। शेप फिल पे जाने के बाद पिक्चर पे जाएंगे। पिक्चर पे जाने के बाद फ्रॉम फाइल यहाँ पे ब्राउज करेंगे, और यहाँ पे जैसे ये सेकंड ये पिक्चर अप्लाई करनी है, इंसर्ट पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट पे जाएंगे, ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार हम दूसरी में भी पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे दूसरी यहाँ पे रखेंगे और इस यहाँ पे जाएंगे, शेप फिल पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे। पिक्चर पे जाने के बाद फ्रॉम फाइल यहाँ पे ब्राउज करेंगे, और यहाँ पे ये पिक्चर, और इसको इंसर्ट कर दिया तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार हम ये जो हमारी शेप्स हैं यहाँ पे पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली कमांड पे जाएंगे, तो इसके लिए हम ये यहाँ पे डिलीट करेंगे, जैसे यहाँ पे हम ये शेप रखेंगे, बाकी को डिलीट कर देंगे, जैसे ये कमांड डिलीट की, यहाँ पे ये भी डिलीट की, और ये सारी यहाँ पे डिलीट कर देंगे। जैसे ये डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी एक शेप है यहाँ पे रखेंगे और इसको बड़ा करेंगे, ये बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा करने के बाद
हम क्या करेंगे, ये अगली शेप फिल पे जाएंगे, आगे जाएंगे इसके बाद ग्रेडियंट, तो यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे जाने के बाद ये हमारे पास जो भी है लाइट में करना है या डार्क में करना है, तो ये देखो ग्रेडियंट डार्क में हो रहा है या लाइट में करना है तो लाइट में हो रहा है, तो जो भी यहाँ पे स्टाइल लेंगे उस स्टाइल में ये ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये डार्क में रखा तो डार्क में आ जाएगा, लाइट में रखा तो लाइट में आ जाएगा, तो ये ग्रेडियंट यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद टेक्सचर अगला है हमारे पास ऑप्शन, टेक्सचर का यहाँ पे अप्लाई करना है, जैसे कोई भी, जैसे सपोज करो ये हमारे पास टेक्सचर है, तो इसमें कोई भी टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई करना है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे ये वाला टेक्सचर अप्लाई किया तो ये टेक्सचर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर हम जो भी आउटलाइन कलर यूज़ करना चाहते हैं वो कलर यहाँ पे आउटलाइन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हम यहाँ पे शेप आउटलाइन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास अलग अलग कलर हैं, जैसे ये रेड, रेड पे क्लिक किया तो ये देखो ये जो आउटलाइन कलर है ये रेड में आ जाएगा। तो कोई भी कलर हम यहाँ पे आउटलाइन कलर सेट कर सकते हैं, ये सभी हमारे पास कलर हैं, जो भी कलर हमें चाहिए वो आउटलाइन हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद मोर आउटलाइन कलर और चाहिए तो यहाँ से और कलर भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये चाहिए या कोई भी, ये देखो ये कलर आ गया, इसको ओके किया तो ये आउटलाइन कलर ये आ जाएगा। इसके बाद आउटलाइन कलर आई ड्रॉपर के जरिए भी हम यहाँ पे कलर सेट कर सकते हैं, या आगे ये जो कलर है आउटलाइन का इसको वेट यहाँ पे दिया गया है, जैसे ये हमारे पास लाइन है कितनी मोटाई में इसको रखना है, जैसे और इसको मोटाई में करना है, जैसे इस ये जो है ये हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखो आउटलाइन कलर यहाँ पे आ जाएगा। डैशेस ये हो गया, अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये देखो जहाँ पे हम अपने माउस को ले जा रहे हैं उस प्रकार ये आउटलाइन कलर चेंज हो रहा है। ये चाहिए तो हम इसमें ले आएंगे, इसका आउटलाइन कलर ये चेंज हो जाएगा। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अगली जो हमारे कमांड है वो शेप इफेक्ट्स, शेप इफेक्ट्स पे जाएंगे, यहाँ देखो प्रीसेट है यहाँ से बने हुए हैं, ये देखो जिसके ऊपर हम यहाँ पे ले जाएंगे उस शेप में ये चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा बन के ये। इसके बाद शेप इफेक्ट अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो कोई भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद है शेडो, अगर शेडो में चाहिए तो ये हमारे पास ये ऑटर का है, ये ऑटर ये देखो चेंज हो रहा है, ये जिसके ऊपर हम अपने पॉइंटर को ला रहे हैं वैसे ये चेंज हो रहा है, जो भी हमें चाहिए। ये इनर का आ गया, ये इनर में चेंज हो रहा है ये, तो ये इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन है ये, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ से ऑप्शन हम लेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये रखा तो ये अप्लाई हो गया। इसके बाद इफेक्ट और चाहिए, रिफ्लेक्शन का चाहिए, ये रिफ्लेक्शन के है, ये देखो रिफ्लेक्शन का आ रहा है, ये यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो शेप है इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन के आ जाएगी। इसके बाद आगे शेप इफेक्ट में और भी है, यहाँ पे ग्लो वाला है, ये अगर किस ग्लो में चाहिए, ये जो शेप है किस ग्लो में चाहिए, जैसे यहाँ पे कोई भी ग्लो चूज़ कर सकते हैं हम, जैसे ये इस ग्लो में चाहिए, ये देखो इस ग्लो में आ जाएगा, ये जो शेप है इस ग्लो में आ जाएगी। इसके बाद आगे है सॉफ्ट हेजिस, ये सॉफ्ट हेजिस क्या है इसको भी हम ले सकते हैं। इसके बाद वीवर, ये देखो इसमें अलग अलग स्टाइल है, ये स्टाइल हम यहाँ पे ला सकते हैं अपनी शेप में,
जैसे यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया तो इस ये स्टाइल में आ जाएगा, इफेक्ट्स में आ जाएगा। इसके बाद आगे ये जितने भी हैं हमारे, ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी हमें इफेक्ट चाहिए वो इफेक्ट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें 3D रोटेशन में चाहिए, तो अगर इस अपनी शेप को हम अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 3D रोटेशन में इसको रखेंगे। जैसे ये देखो 3D रोटेशन में ये हो रहा है, जो भी रोटेशन पे हमने इसको ले जाना है उस रोटेशन में हम इसको रख देंगे। जैसे ये क्लिक किया तो ये 3D रोटेशन यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने ड्राइंग ग्रुप के बारे में जाना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।